हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने जो है वो इंग्लिश ग्रामर का जो है वो मॉक टेस्ट लेकर आए हैं 25 मार्क्स का। और जैसा कि आप जानते ही हैं, लगभग हर एग्जाम में जो है वो इंग्लिश ग्रामर का जो क्वेश्चन हैं वो आते ही हैं। तो शुरू करते हैं मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन है मैटर रिटन बाय हैंड, ठीक है, जो हाथ से लिखी हुई चीजें हैं उनको क्या कहा जाता है? ए हैंड रिटन, बी मैनुस्क्रिप्ट, सी एमनेस्टी, डी प्रूफ। मैटर रिटन बाय हैंड, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? ए हैंड रिटन, बी मैनुस्क्रिप्ट, सी एमनेस्टी, डी प्रूफ। ये एक तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जैसे हिंदी में कहते हैं ना वाक्यों वाक्य के लिए एक शब्द, तो वैसे इंग्लिश में बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आपने अपना आंसर चूज कर लिया, हम आंसर देखते हैं। इसका आंसर है मैनुस्क्रिप्ट, ठीक है। जो भी हाथ हस्तलिखित चीजें हैं उसको जो है वो मैनुस्क्रिप्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ आर्ट ऑफ टीचिंग, आर्ट ऑफ टीचिंग को, स्टडी ऑफ आर्ट ऑफ टीचिंग को क्या कहा जाता है? ए पैथोलॉजी, बी फिलैटली, सी पेडागॉजी, डी पैट्रीमनी। ए पैथोलॉजी, ठीक है, बी फिलैटली, सी पेडागॉजी, डी पैट्रीमनी। आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, हम आंसर देखते हैं इसका। स्टडी ऑफ आर्ट ऑफ टीचिंग को जो है वो पेडागॉजी कहा जाता है, ठीक है। और ये फिलैटली जो है, ये जैसे आपको याद होगा टिकटें इकट्ठा करने की जो नहीं होती डाक टिकट, तो उसको फिलैटली कहा जाता है। पैथोलॉजी आपको पता है बीमारी, और वो उसके जो वायरस और जो भी जीवाणु वगैरह है उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। पैट्रीमनी, ठीक है, तो आप बाकी आप देख सकते हैं इसमें, पेडागॉजी कहते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट फेमिनिन जेंडर ऑफ राम, तो यहां पे लिंग परिवर्तन है, ठीक है, तो फेमिनिन क्या होगा राम का? ए डियर, बी काउ, सी यू, डी नन ऑफ दीज। स्त्रीलिंग पुरलिंग जैसे होता है, ठीक है, वैसे ही मैस्कुलिन और फेमिनिन होता है, तो राम जो है वो मैस्कुलिन है, इसका फेमिनिन क्या होगा? ये जेंडर जो है, जेंडर बदलना है आपने इसमें, तो राम का जो फेमिनिन होगा वो आपने अपना आंसर चूज कर लिया है, हम आंसर देखते हैं, वो है ई डब्ल्यू ई यू, ठीक है। तो करेक्ट फेमिनिन जेंडर ऑफ राम है ई डब्ल्यू ई यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, यहां पर जो है करेक्ट मैस्कुलिन जेंडर ऑफ डो, डो का जो करेक्ट मैस्कुलिन जेंडर क्या है? मैं इसका थोड़ा सा मतलब बता दूं, यहां पे डो जो है वो स्त्रीलिंग है और इसका हमने पुरलिंग देखना है, ठीक है। ए बक, बी बुल, सी फॉक्स, डी कोल्ट, ठीक है। कोल्ट आप इसका मीनिंग देख सकते हैं, पहले आप इसका आंसर देखते हैं पहले हम, तो जो इसका आंसर है वो बक, एक तरह से बक और डो, ठीक है, ये मैस्कुलिन जेंडर जो है डो का वो बक है, तो बक जो है वो मैस्कुलिन है और डो जो है वो फेमिनिन है, ठीक है। एक तरह से हिरन जो है, हिरन में जो बक है वो नर, आप उसको हिरन मान सकते हैं, और जो मादा हिरन है उसको डो जो है वो कहा जाता है, ठीक है, डियर का ही एक रूप है ये। और इसके अलावा बुल तो आपको पता ही है, फॉक्स भी पता है, कोल्ट आप कमेंट बॉक्स में जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है, कोल्ट का भी होता है जो है फेमिनिन। फिर है यहां पर जो है ही सेड टू मी, डू यू नो मी, ठीक है, ही सेड टू मी, डू यू नो मी, तो यहां डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात की गई है, नरेशन चेंज करना है, तो इसमें से सही नरेशन क्या होगा इसके लिए? ही सेड टू मी, डू यू नो मी। ए ही आस्क मी इफ आई न्यू हिम, He said to me if I know him. He said if I knew him. He asked if I had known him. ठीक है, तो यहां पर आपको जो है वो नरेक्शन चेंज करनी है, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी है, तो आंसर देखते हैं। तो जो ए वाला ऑप्शन है, He said to me, do you know me? तो उसका जो नरेशन जब हम चेंज करेंगे तो आएगा He asked me if I knew him. ठीक है, He asked me if I knew him, जो करेक्ट नरेशन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड लेट अस टेक हिम टू द डॉक्टर. ही सेड लेट अस टेक हिम टू द डॉक्टर. ए ऑप्शन है ही सेड लेट देम टेक हिम टू द डॉक्टर. बी ऑप्शन ही सजेस्टेड दैट दे शुड टेक हिम टू द डॉक्टर. ही सेड दैट डॉक्टर शुड बी कॉल्ड. डी ऑप्शन है ही आस्क्ड फॉर द डॉक्टर. ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है, इसमें नरेशन चेंज करनी है हमने. ही सेड लेट अस टेक हिम टू द डॉक्टर. ए बी सी डी. तो आंसर देखते हैं, तो जो राइट नरेशन है ठीक है वो है बी ऑप्शन. तो ही सेड लेट अस टेक हिम टू द डॉक्टर, इसकी जो राइट नरेशन है, नरेशन जब हम चेंज करेंगे तो ही सजेस्टेड दैट दे शुड टेक हिम टू द डॉक्टर. ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7, आपने सेंटेंस कंप्लीट करना है सही जो इनमें से चार ऑप्शन में से चूज करके. प्लीज टेल मी वेयर इज द बस स्टॉप. प्लीज टेल मी देयर इज अ बस स्टॉप. देयर इज बस स्टॉप. प्लीज टेल मी वेयर बस स्टॉप. वेयर स्टॉप द बस. प्लीज टेल मी वेयर द बस स्टॉप इज. ठीक है, इनमें से सही कौन सा है अगर हम कंप्लीट करेंगे सेंटेंस पूरा, तो इन चारों में से किसके साथ प्लीज टेल मी के साथ ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होगा. मैं दोबारा से एक बार बोल देता हूँ. प्लीज टेल मी, ए ऑप्शन प्लीज टेल मी वेयर इज द बस स्टॉप. बी ऑप्शन प्लीज टेल मी देयर इज अ बस. देयर इज बस स्टॉप. सी ऑप्शन प्लीज टेल मी वेयर स्टॉप द बस. और डी ऑप्शन प्लीज टेल मी वेयर द बस स्टॉप इज. ठीक है, तो आंसर देखते हैं. आंसर जो है इसका डी ऑप्शन है. ठीक है, यहां क्वेश्चन मार्क भी आना था. प्लीज टेल मी वेयर द बस स्टॉप इज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये एक तरह से क्वेश्चन आंसर फॉर्म है. ठीक है, यहां पे भी कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस है. ठीक है, यू आर अ बिट लेट टुडे, और इसके बाद क्या आएगा ठीक है वो आपने कंप्लीट करना है. यू आर अ बिट लेट टुडे. ए ऑप्शन आरंट यू. बी ऑप्शन डोंट यू. सी ऑप्शन आर यू. डी ऑप्शन डू यू. ठीक है, क्या इसके साथ सही है. यू आर अ बिट लेट टूडे आरंट यू. यू आर अ बिट लेट टूडे डोंट यू. यू आर अ बिट लेट टूडे आर यू. यू आर अ बिट लेट टूडे डू यू. ठीक है, तो सही इसमें हमने जो है वो सेंटेंस कंप्लीशन में सही जो है ऑप्शन चूज करना है. तो आंसर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर का इस्तेमाल किया गया है तो यहाँ पे आरंट यू आएगा. यू आर अ बिट लेट टूडे आरंट यू. ठीक है, एक तरह से क्वेश्चन आंसर फॉर्म है ये. एक जगह क्वेश्चन पूछा जा रहा, दूसरी जगह आंसर है. फिर ये भी कंप्लीशन है. और ठीक है, देखना है आपने एज प्राउड एज किसकी तरह से जो है वो, एक एज प्राउड एज फॉक्स, या एज प्राउड एज किटन, या एज प्राउड एज पिकॉक, या एज प्राउड एज काउ. ठीक है, तो ये कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस है. एज प्राउड एज फॉक्स. एज प्राउड एज किटन. किटन जो बिल्ली के बच्चे होते हैं. As proud as peacock, as proud as cow. ठीक है, आंसर देखते हैं. तो आंसर जो है इसका peacock आएगा. As proud as a peacock. ठीक है, ये इसका complete जो sentence बनेगा. ठीक है, as proud as a peacock. इस तरह के completion वाले काफी सारे जो हैं वो question कई बार पूछे जाते हैं. As light as a fish, A option. As light as a dove. एज लाइट एज अ लैम्ब. और डी ऑप्शन है एज लाइट एज अ फेदर. लाइट मतलब हल्का. ठीक है, तो आंसर है इसका एज लाइट एज अ फेदर. फेदर पंख जो होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एज यू शो, ये कंप्लीट है सेंटेंस, एक तरह से मुहावरा है ये. ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी. तो एज यू शो You get to reap. B option, so shall you reap. C option, you raise crop. D option, you get yield. ठीक है, you get yield. तो आंसर देखते हैं. As you sow, तो ये सिंपल है. As you sow, so shall you reap. जैसा तुम sow मतलब बोओगे, so shall you reap वैसा ही काटोगे. जैसे ठीक है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां फिल इन द ब्लैंक्स है. रोम, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर इन अ डे. आपने सही ऑप्शन चूज करना है. रोम वॉज नॉट. ए ऑप्शन रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. बी ऑप्शन रोम वॉज बिल्ट इन अ डे. रोम वॉज मेड इन अ डे.
रोम गॉट बिल्ट इन अ डे। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपने चूज करना है रोम डैश इन अ डे। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम वॉज बिल्ट इन अ डे, रोम वॉज मेड इन अ डे, या रोम गॉट बिल्ट इन अ डे। ठीक है, एक तरह से ये भी एक कहावत है। ठीक है, तो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, यानी जो रोम है, रोम शहर है, वो एक दिन में नहीं बना है। ठीक है, हर चीज को बनने में जो है वो समय लगता है। द कैट स्लेप्ट ऑन द बेड डैश द लिटिल बॉय। ठीक है, इसका पूरा मतलब जो है, बिल्ली जो है वो सो रही थी बिस्तर पे छोटे बच्चे के। अब यहां पर क्या आएगा, ये सारा ही बिसाइड है। ठीक है, अब ये कौन से वाला बिसाइड की सही स्पेलिंग भी आप इसमें चेक कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे साथ साथ जब हम सोते हैं तो उसको बोलते हैं बिसाइड्स। तो द कैट स्लेप्ट ऑन द बैग बेड डैश द लिटिल बॉय। बिसाइड्स ए ऑप्शन, बिसाइड बी ऑप्शन, बेड साइड या साइड्स। तो जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, बिसाइड। द कैट स्लेप्ट ऑन द बेड बिसाइड द लिटिल बॉय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है, और कई बार आप ये भी कह सकते हो कि प्रीपोजिशन जो है इसमें राइट प्रीपोजिशन जो है वो फिल करनी है। द टॉडलर फेल डैश द चेयर। टॉडलर छोटा बच्चा जो है, ठीक है, टॉडलर फेल द डैश द चेयर। तो द टॉडलर फेल ऑफ द चेयर, ओ एफ वाला। द टॉडलर फेल फॉर द चेयर, द टॉडलर फेल ऑफ द चेयर, या द टॉडलर फेल ऑन द चेयर। तो ऑफ ए ऑप्शन, बी ऑप्शन फॉर, सी ऑप्शन डबल ऑफ, डबल ओ डबल एफ, ओ डबल एफ ऑफ, और डी ऑप्शन ऑन। तो कौन सा इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स में जो है सही प्रीपोजिशन आएगी, आंसर देखते हैं। आपने अपना आंसर चूज कर लिया, द टॉडलर फेल ऑफ द चेयर। तो फेल के साथ ऑफ आएगा, ओ डबल एफ ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी कंजक्शन भरना है। यू मस्ट वर्क फिल इन द ब्लैंक्स या डैश स्टार। ठीक है, ए ऑप्शन और, जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है इसकी जगह पे क्या आएगा, बी ऑप्शन एंड, सी ऑप्शन बिकॉज, डी ऑप्शन इफ। यू मस्ट वर्क और स्टार, यू मस्ट वर्क एंड स्टार, यू मस्ट वर्क बिकॉज स्टार, यू मस्ट वर्क इफ स्टार। ठीक है, तुम्हें काम करना है, और स्टार का मतलब है भूखा। ठीक है, या भूखे रहो। आंसर देखते हैं, आंसर है इसका और। ठीक है, यू मस्ट वर्क और स्टार्व, या तो मेहनत करो नहीं तो फिर भूखे रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी थिंग्स हैव हैपन्ड डैश आई लेफ्ट स्कूल। ठीक है, बहुत सारी चीजें हुई जब मैंने स्कूल छोड़ दिया, या उसके बाद जब मैंने स्कूल छोड़ दिया उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई। तो क्या आएगा यहां पर, मैनी थिंग्स हैव हैपन्ड फॉर आई लेफ्ट स्कूल, मैनी थिंग्स हैव हैपन्ड ऑफ आई लेफ्ट स्कूल, मैनी थिंग्स हैव हैपन्ड एंड आई लेफ्ट स्कूल, मैनी थिंग्स हैव हैपन्ड सिंस आई लेफ्ट स्कूल। ठीक है, तो ए ऑप्शन फॉर, बी ऑप्शन ऑफ, सी ऑप्शन एंड, डी ऑप्शन सिंस। तो आंसर देखते हैं, तो आंसर है इसका सिंस। ठीक है, मैनी थिंग्स हैव हैपन्ड सिंस आई लेफ्ट स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरबिड का एंटोनिम क्या है, विलोम शब्द फॉरबिड। तो जब भी हमें किसी का विलोम शब्द पता करना है तो सबसे पहले हमें मतलब पता होना चाहिए फॉरबिड का। तो पहले हमें हम ऑप्शन देख लेते हैं, ए एग्जामिन, बी परमिट, सी ऑप्टेंड, डी अपील। ठीक है, ए एग्जामिन, बी परमिट, सी ऑप्टेंड, ऑप्टेन, डी अपील। आंसर देखते हैं, आंसर है इसका परमिट। फॉरबिड का मतलब होता है मना कर देना, ठीक है, और परमिट का मतलब होता है इजाजत देना, किसी को परमिशन देना, परमिट करना। ठीक है, इजाजत देना, और फॉरबिड का मतलब होता है मना कर देना। ठीक है, तो फॉरबिड का जो एंटोनिम है, विलोम शब्द है, वो है परमिट। फिर है स्टर्न, स्टर्न स्टर्न जो होता है वो एक तरह से स्ट्रिक्ट होता है, स्ट्रिक्ट मतलब कठोर कह लो, जैसे कई टीचर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, स्टर्न होते हैं। ठीक है, तो उसका एंटोनिम क्या होगा,
विलोम शब्द क्या होगा स्टर्न का? ए लिबरल, बी इमोशनल, सी स्ट्रिक्ट, डी ऑनेस्ट. ए स्टर्न, एंटोनिम ऑफ स्टर्न, ए लिबरल, बी इमोशनल, सी स्ट्रिक्ट, डी ऑनेस्ट. आंसर देखते हैं तो इसका जो आंसर है वो है लिबरल. ठीक है, जैसे स्ट्रिक्ट टीचर होता है तो एक वो जो बहुत ज्यादा आजादी देता है आपको, उसको लिबरल कहा जाता है. ठीक है, स्टर्न का जो पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिम है, वो तो स्ट्रिक्ट है. अगर एंटोनिम की बात करें तो जो विलोम शब्द है इसका, ठीक है, वो है लिबरल, जो बहुत आजादी देता है. ठीक है, खुले विचारों वाले. फिर है फ्लोट. ठीक है, फ्लोट का एंटोनिम क्या होता है? फ्लोट का मतलब होता है तैरना. ठीक है, तो उसका विलोम शब्द क्या है? ए लूज, बी सिंक, सी एम्प्टी, डी फॉल. एंटोनिम ऑफ फ्लोट, ए लूज, बी सिंक, सी एम्प्टी, डी फॉल. आंसर देखते हैं तो फ्लोट जो है, फ्लोट का जो विलोम शब्द है वो है सिंक, यानी फ्लोट मतलब तैरना और सिंक मतलब डूबना. एम्प्टी खाली को बोलते हैं, फॉल जो है वो गिरना. फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. आई वेंट फॉर स्विमिंग डैश इट वॉज कोल्ड. ठीक है, यहां आपने फिल इन द ब्लैंक्स जो है फिल करना है. आई वेंट फॉर स्विमिंग डैश इट वॉज कोल्ड. आई वेंट फॉर स्विमिंग येट इट वॉज कोल्ड. आई वेंट फॉर स्विमिंग बिकॉज इट वॉज कोल्ड. आई वेंट फॉर स्विमिंग ऑल दो इट वॉज कोल्ड. आई वेंट फॉर स्विमिंग सो इट वॉज कोल्ड. ठीक है, तो यहां पर जो राइट ऑप्शन है वो आपने चूज करना है. आंसर देखते हैं हम. आई वेंट फॉर स्विमिंग ऑल दो इट वॉज कोल्ड. मैं तैरने के लिए गया, ठीक है, जबकि वहां पर पानी जो था वो ठंडा था. Although it was cold. Next question. Neera must study hard. Dash she will fail. ठीक है, Neera must study hard. Dash she will fail. Answer देखते हैं. Sorry, पहले option देखते हैं. And B option है because. C option है yet. D option है or. Neera must study hard and she will fail. B option है Neera must study hard. Because she will fail. C option है Neera must study hard yet she will fail. Or Neera must study hard or she will fail. तो answer काफी clear है इसमें. यहाँ पर और आएगा. ठीक है, Neera को ठीक है ज्यादा मेहनत करनी है. ठीक है, ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, नहीं तो वो fail हो जाएगी. ठीक है, और she will fail. फिर है यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स है. डिनर वॉज रेडी डैश वी सेट डाउन टू ईट. डिनर वॉज रेडी डैश वी सेट डाउन टू ईट. ए आएगा दो, बी ऑप्शन है सो, सी ऑप्शन है लेस्ट, डी ऑप्शन है बट. डिनर वॉज रेडी दो वी सेट डाउन टू ईट. डिनर वॉज रेडी सो वी सेट डाउन टू ईट. डिनर वॉज रेडी लेस्ट वी सेट डाउन टू ईट. Dinner was ready, but we sat down to eat. Answer देखते हैं इसका. Answer है इसका so. ठीक है, dinner जो था वो तैयार था, इसलिए हम लोग जो है वो खाने के लिए बैठ गए. ठीक है, dinner was ready, so we sat down to eat. Next question. ठीक है, ये भी एक तरह से narration change करना है. He said, be quiet and listen to. A option है he ordered them to be quiet. He told them to be quiet and listen to my words. ये ना जो है यहां पे इसके बाद listen to my words आना था यहां पर. ठीक है, ये आगे जो है ये टाइप नहीं हुआ है, लेकिन ये मैं आपको पूरा बता देता हूं. He said be quiet and listen to my words. ठीक है, तो he ordered them to be quiet. B option है he told them to be quiet and listen to my words. ठीक है, he urged them to be quiet and listen to his words and he said to be quiet and listen to my word. Answer देखते हैं इसका. ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो C option है. He urged them to be quiet and listen to his word.
तो जो नरेशन है ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन, ऊपर जो है नरेशन, ये पूरी नरेशन है, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माय वर्ड्स, यहां माय वर्ड्स आना था, और इसका सही नरेशन जो है चेंज, जो नरेशन चेंज होगी तो ही अर्ज देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड, जो माय वर्ड है वो हिज वर्ड में चेंज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैस्कुलिन ऑफ बी, बी जो है मक्खी जो है, ठीक है, एक तरह से हनी बी भी बोल सकते हैं, मक्खी जो भी है, तो बी का जो मैस्कुलिन क्या है, ठीक है, फेमिनिन बी खुद है, तो उसका मैस्कुलिन क्या होगा, ए वेस्प, बी ड्रैगन, सी ड्रोन, डी नन ऑफ दीज। तो आंसर देखते हैं, ये आपको पता ही होगा, मैस्कुलिन ऑफ बी ए वेस्प, बी ड्रैगन, सी ड्रोन, डी नन ऑफ दीज। आंसर देखते हैं, तो जो बी का मैस्कुलिन है वो ड्रोन होता है, ठीक है, बी का ड्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम क्या है बिजी का, जो बहुत बिजी होते हैं, तो बिजी का एंटोनिम क्या है, ए ऑक्यूपाइड, बी एनग्रॉस्ड, सी रिलैक्स्ड, डी एंगेज्ड। तो ऑक्यूपाइड और एंगेज्ड तो बिजी का जो है एक तरह से सिनोनिम है, ठीक है, विलोम शब्द जो है बिजी का वो होगा रिलैक्स्ड। आंसर देख लेते हैं, रिलैक्स्ड, ठीक है, एंटोनिम ऑफ बिजी जो है वो रिलैक्स्ड है, ठीक है। तो ये हमारे जो थे 25 क्वेश्चन थे, लगभग आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा इंग्लिश का इससे। एक और मॉक टेस्ट जो है वो इंग्लिश का हम लेकर आएंगे आपके सामने, 2 25-25 मार्क्स के, क्योंकि जो अगर LDR सुपरवाइजर की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं उसके, एक आधा एंटोनिम आ जाता है, एक सिनोनिम आ जाता है, एक आधा स्पेलिंग करेक्शन का जाता है, या फिलिंदा ब्लैंक्स आएगा, या नरेशन का जाता है, ठीक है, और इसके अलावा कोई और है, जैसे एंटोन आर्टिकल्स भी आते हैं कई बार, फिर पोजीशन भी पूछ लेते हैं। तो ये आपने इन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करना है, बहुत ज्यादा नहीं इसमें जाना है आपने। इसी तरह से हिंदी में भी ऐसे ही है। थैंक यू, धन्यवाद।